inspire you. Today we are going to learn a story, The Lion and the Cows. तो इससे इसको आपने बार बार पढ़ना है, रीडिंग करनी है और इससे अंग्रेजी सीखनी है बच्चों. इस वीडियो को अंत में आपने लाइक करना है, वीडियो को सभी के पास शेयर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है. द लॉयन एंड द काउज, शेर और गाय, ठीक है ना. शेर और माउस तो आपने पढ़ा था, लॉयन एंड द माउस तो आपने पढ़ी थी. आज है द लॉयन एंड द काउज. देयर लिव्ड फोर काउज, यानी कि चार गाय रहती थी इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में चार गाय रहती थी. एवरी डे, प्रत्येक दिन. दे यूज टू का मैंने आपको कराया. दे यूज टू ग्रेज, वे चरा करती थी. टुगेदर, इकट्ठे, वे इकट्ठे चरा करती थी. इन अ पार्टिकुलर स्पॉट, किसी विशेष स्थान पर वे इकट्ठे चरा करती थी. दे यूज टू ग्रेज, वे चरा करती थी. ये आपको सिंटेंस मैंने करवाया है. They were all friends. वे सभी फ्रेंड्स थी. वे कौन थी? गाय सभी चारों ना फ्रेंड्स थी. One day, एक दिन, a lion saw, शेर ने देख लिया, second form है ना, the cows grazing. Cows grazing, गाय को चरते हुए देख लिया. Together, इकट्ठे चरते हुए देख लिया. The lion wanted to, चाहता था. The lion wanted to eat, खाना चाहता था. Them, उनको खाना चाहता था. उनको देखना चाहता था. वांटेड टू सी देम, चाहता था. वांटेड टू, फिर जो भी है, खाना है तो ईट लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म, अगर देखना है तो सी लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके बाद. यानी कि द लॉयन वांटेड टू ईट देम, सो ही वेंट, वह गया. इसलिए सो क्या होता है, इसलिए. ही वेंट टू कैच देम, उनको पकड़ने के लिए गया. व्हेन द काउज, जब गायों ने सा देखा, द लॉयन, जब गायों ने शेर को देखा. देखो वैन के बाद डिड होता है तो कब होता है, इसका मतलब अब कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो जब हो गया है. वैन का मतलब अब क्या हो गया, जब. वैन द काउज सा द लॉयन, जब गायों ने शेर को देखा. ऑल ऑफ देम, सभी में फोट, लड़ाई, सभी ने लड़ाई लड़ी. विद हिम, उसके साथ लड़ाई की. द लॉयन हैड टू रन अवे, हैड टू करना पड़ा, हैड टू रन दौड़ना पड़ा, हंसना पड़ा, हैड टू लाफ खेलना पड़ा, हैड टू प्ले. द लॉयन हैड टू रन अवे, शेर को दूर भागना पड़ा. अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए. अ फ्यू डेज, कुछ दिन पास्ट बीत गए. एंड काउज क्वाल्ड अमंग देमसेल्व्स, और गाय है ना, क्वाल्ड लड़ पड़ी. अगर दो होती तो यहाँ पर गाय बिटवीन आना था, अब चार है ना, अमंग आ जाएगा. दो से ज्यादा है ना, अमंग आ जाएगा. द काउज क्वाल्ड अमंग देमसेल्व्स, अपने बीच में आपस में लड़ पड़ी. And started grazing separately. And started, शुरू कर दिया. Grazing, चरना शुरू कर दिया. चरती तो पहले भी थी, लेकिन ये लिख दिया separately, अलग से चरना शुरू कर दिया. अलग अलग चरना शुरू कर दिया. And started grazing separately. और अलग से चरना शुरू कर दिया. उन्होंने रोना शुरू कर दिया. They started weeping. उन्होंने हंसना शुरू कर दिया. They started laughing. उन्होंने आना शुरू कर दिया. They started कमिंग. ऐसे स्टार्टेड सेंटेंस बनाने हैं. द लॉयन किल्ड द काउज, द लॉयन शेर ने किल्ड मार दिया. किल क्या होता है, मारना. किल्ड मार दिया द काउज, गायों को वन बाय वन एक एक करके मार दिया. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल क्या है इसका, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, ठीक है बच्चों. हमें भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बहुत ही प्यार से रहना चाहिए. ओके, बाय. लाइक, शेयर.